गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी एलाबरेट की थी। आज हम इसकी क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोम, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। देखो बेटा क्या कह रहा है, हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, सबसे पहले तो हमको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद क्या करना है, इनके जीरोस के बीच में रिलेशन क्या करना है, रिलेशन के बारे में वेरीफाई द रिलेशन, रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम तरीका यूज करते हैं कौन सा, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो कि मैंने आपको 9th क्लास में बताया, एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं। देखो किस प्रकार से करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं, नाम से स्पष्ट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मतलब मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मतलब होता है दो टुकड़ों में विभाजित कर देना, मिडिल टर्म को क्या करेंगे, दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो मिडिल टर्म को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे ताकि उसको जोड़ने या घटाने पर तो इतना ही आए, माइनस का कितना है 4x आए, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4x² आएगा। ठीक है, तो मुझे एक बताओ ऐसी कौन सी दो संख्याएं लिखूंगा जिनको जोड़ने या घटाने पर तो कितना है, माइनस 4x आए, और गुणा करने पर माइनस प्लस का कितना आ जाए, 4x² आ जाए। तो क्या ले सकता हूं मैं, 2x माइनस का और माइनस का 2x ले सकता हूं, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का 4x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 4x² आएगा, इसलिए 4x को मैं दो टुकड़ों में कैसे तोड़ूंगा, माइनस का 2x और माइनस का 2x और प्लस का बन गई मेरा है यहां पे। ठीक है, अब देखिएगा इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों चीजों में से शुरू की दो टर्म्स में से कौन सी टर्म इसमें कॉमन आ रही है, सबसे बड़ी टर्म कॉमन ले लेनी है हमको, इसमें से 2x कॉमन आ सकता है, तो यहां से क्या बच जाएगा बेटा, 2x बच जाएगा, यहां से 2x कॉमन आ जाएगा तो यहां से 1 बचेगा, यहां से माइनस का मैं अगर 1 कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 2x माइनस 1 कॉमन बच जाएगा। अब इस पूरे दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2x माइनस 1 कॉमन आ सकता है, तो 2x माइनस 1 यहां से मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे बचेगा मेरा कितना, 2x माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 1 बच गया। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलीनोमियल का जीरो निकालने के लिए उसको जीरो के बराबर पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, अब इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो एक एक टर्म को भी जीरो के बराबर हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, और यहां से भी x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 1/2 ही आ जाएगी। आगे बात समझ में, ये तो हमारे पास आ गए, क्या आ गए हमारे, इसके रूट्स आ गए, इसको मैं क्या मान लेता हूं, अल्फा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/2, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट माइनस रखेंगे यहां पे, और एक्स का अल्फा प्लस बीटा यहां से निकाल लेंगे कितना आएगा, 1/2 + 1/2। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू कितनी यहां पे, माइनस का 2, और ए की वैल्यू कितनी यहां पे, 4 है। ठीक है, 1/2 + 1/2 कितना आएगा, यहां से एलसीएम ले लो 2, 1 + 1, यहां से माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2/4, ये कितना आ जाएगा, 1 + 1 कितना आया हमारे पास, 2 आ गया, और ये आएगा मेरे पास कितना, 6 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, सभी इसी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, आप इनको सॉल्व कर लीजिए।